हेलो 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 सो आज हम बात करेंगे अबाउट द न्यू मैकबुक प्रो ओके सो नवंबर 2020 में एप्पल ने एक इवेंट करा था जिसमें उन्होंने मैकबुक प्रो और मैक uh, मिनी और मैकबुक एयर लॉन्च की थी और इस इवेंट में डिस्पाइट uh, uh, ये इवेंट लॉकडाउन uh, के दौरान हुआ था या ऐसे टाइम पे हुआ था जब पेंडेमिक बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा था यूएस में और uh, बाकी जगह पर लेकिन इस दौरान एप्पल ने जो अनोखी चीज़ लॉन्च करी थी वो थी इसका एम वन प्रोसेसर और ये तीनों प्रोडक्ट लाइन जो है पूरी तरह से चेंज हो गई और इसका जो परफॉर्मेंस था वो अब तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस एप्पल की मशीन्स में आ रहा है ऐसा सुनने में आया ना जब मैंने आ, इसके बारे में इंक्वायर करा तो मुझे पहले समझ नहीं आया कि व्हाट इज़ दिस एम वन प्रोसेसर आई थॉट कि जैसे दूसरे प्रोसेसर होते हैं इंटेल के और एम uh, डी के उसी तरह का कोई एक ऐसा प्रोसेसर होगा था लेकिन uh, देखा जाए तो एप्पल सबसे पहले जब uh, उनके पावर जी फोर जी मशीन्स आती थी तो उसमें उनके खुद के प्रोसेसर हुआ करते थे और uh, और एक ये बहुत बड़ा रीजन हुआ करता था, था कि एप्पल के लिए कोई दूसरे एप्स नहीं अवेलेबल होते थे उस, उस उस चीज़ को हम सॉफ़्टवेयर जो बोलते हैं वो अवेलेबल नहीं हुआ करते थे बिकॉज दे आर वेरी कन्फाइंड टू देयर ओन ऑपरेटिंग सिस्टम टू और देयर ओन सॉफ्टवेयर ओन लर्निंग थिंग्स बट जैसे ही वो इंटर पे शिफ्ट हुए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ओपन हुए और बहुत सारी कंपनीज ने बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट्स एपल के लिए डिजाइन करना शुरू किए इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट हेज ऑल्सो कम अप विद देयर ओन ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और एपल के लिए सारी चीज़ें लॉन्च होती बट नाउ दिस एम वन प्रोसेसर इज इज अ टोटल रिवोल्यूशन क्या सिर्फ ये नाम में रिवॉल्यूशन है या इसके पीछे एक्चुअल कुछ सच्चाई है भी सो जब मैंने मुझे अपना लैपटॉप चेंज करना था और रिसेंटली बॉट दिस मैकबुक प्रो सो आई इंक्वायर अबाउट दिस एम वन प्रोसेसर वाट इज दिस एम वन प्रोसेसर सो जो चीज़ें मैंने उसके बारे में पढ़ी और जो इवेंट मैंने वापस देखा ऑल दो मैं उस इवेंट को देख चुका था बट मैंने उस इवेंट को वापस देखा एंड आई आई रियलाइज की देर आर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स एपल हैज कम अप विद दिस वन प्रोसेसर नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एक बार फिर से समझें इसको सिंपल भाषा में कि ये M1 प्रोसेसर क्या है M1 प्रोसेसर जो है वो एप्पल का Uh, खुद का डिज़ाइन प्रोसेसर है या एक uh, इसको प्रोसेसर नहीं कहेंगे इस, इस बेसिकली सिस्टम ऑन चिप जिसको उन्होंने नाम दिया है एस और सिस्टम ऑन चिप में बेसिकली क्या होता है सो so, अभी तक जो भी हम uh, लैपटॉप्स या डेस्कटॉप्स चला रहे हैं उसमें एक आपको एक लॉजिक बोर्ड रहता है और उस लॉजिक बोर्ड में आपको uh, प्रोसेसर आप में बेसिकली सी पी यू और आयो uh, और सिक्योरिटी और मेमोरी um, और ये सारी चीज़ें रहती हैं लेकिन एप्पल um, ने Uh, इस इन सब को कॉम्पैक्ट करके एक सिंगल चिप में लेके आ गए एंड इट्स इनक्रेडिबल कि कैसे उन्होंने साइज़ को छोटा करा नाउ दिस आल्सो मींस कि पावर कंजम्पशन पर भी इसका काफ़ी असर पड़ेगा एंड इट्स जस्ट लाइक like आपका आईफोन uh, पे जो प्रोसेसर है ए ट्वेल्व ए थर्टीन ए फोर्टीन जो भी आगे आते जाएंगे सो इट्स जस्ट लाइक दिस प्रोसेसर एंड दिस चिप वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग और जब मैंने उसको और इंक्वायर करा तो उसमें मुझे पता चला कि ये फाइव नैनो मीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और प्रोसेसिंग uh, टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है एंड इट हैज सिक्सटीन बिलियन ट्रांजिस्टर्स इन इट सोलह बिलियन ट्रांजिस्टर्स में और दैट मेक्स इट्स द वर्ल्ड फास्टेज सी पी यू और ना केवल इतना लेकिन पावर कंजम्पशन उसके कारण से बहुत uh, बहुत कम लेता है और एपल ने कुछ uh, डेटा दिए थे जिससे उन्होंने बताया था कि कितना कम पावर कंजम्पशन हो रहा है और एट द सेम टाइम इन्होंने जो सी uh, बनाया है वो एट कोर सी पी जो बनाया है उसमें उन्होंने फोर इफिशियंसी हाई इफिशियंसी और परफॉर्मेंस इफिशियसी कोर्स रखे हैं विच बेसिकली इंक्रीजेज एंड डिपेंड्स अपॉन आपकी वर्किंग परफॉर्मेंस कैसी है आपकी वर्किंग एप्लीकेशन कैसी है और उसके बेसिस so, पर, uh, पर वो परफॉर्म करेंगे सो जहाँ पर ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस की, uh, की ज़रूरत है वहाँ पर वो कोर्स यूज होंगे और जहाँ पर इफिशंसी कीफिशेंसी की ज़रूरत है वहाँ पर वो कोर्स यूज होंगे एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो कम अप विद यूनिफाइड मेमोरी ना जब मैंने इसकी स्पेक्स पढ़े तो मुझे लगा कि ये स्पेक्स जो है क्या ये हमारे एज अ वीडियो एडिटर एंड फिल्म प्रोड्यूसर फिल्म मेकर क्या या क्रिएटिव प्रोफेशनल्स के लिए क्या इतना सफिशेंट होगा सो देन आई रियलाइज की यूनिफाइड मेमोरी के कारण से इट्स अ डेडिकेटेड यूनिफाइड मेमोरी विच विच अलॉट्स इक्वल एंड विच अलॉट एज पर द रिक्वायरमेंट और जिस तरीके से उसका परफॉर्मेंस बढ़ता है वो बहुत फर्क आता है एंड स्टिल आई वॉज वेरी डाउटफुल और इसलिए सबसे पहले मैंने सोचा कि uh, मैं जो जो भी प्रोसेसर लूंगा सबसे पहले मैंने मैक मिनी लेने का सोचा बट द प्रॉब्लम विद द मैक मिनी वॉज कि मुझे उसमें अलग से मॉनिटर लेना पड़ता फिर मुझे डिस्प्ले नहीं मिल पाता और सॉरी टू से बट एप्पल का जो प्रो डिस्प्ले है वो मैं नहीं ले सकता बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव सो मैंने सोचा कि क्यों uh, क्यों ना मैकबुक प्रो को ले और बेसिकली इट्स वर्क स्टेशन ऑन योर ऑन द गो आप उसको लेके चल सकते हैं देन आई रियलाइज कि जो एट जी बी मेमोरी है दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी सफिशेंट फॉर स्पेशली एंड स्पेशली फॉर एडो प्रीमियर एडो फोटोशॉप लाइट रूम एंड फाइनल कट प्रो ना फाइनल कट प्रो चूँकि इसका नेटिव एडिटिंग uh, सॉफ्टवेयर है और इस वजह से uh, जो जो परफॉर्मेंस फाइनल कट प्रो पे इसका उसका मुझे मिला वो इनक्रेडिबल था मेरे जो मैक है आई मैक है उस पर मुझे एक बीस मिनट का वीडियो जो है मुझे उसको बाईस मिनट रेंडर करने में लगे और uh, जबकि मैंने जो मैकबुक प्रो पर रेंडर करा था उस मुझे ग्यारह मिनट सम सेकेंड्स में रेंडर हुआ था बेसिकली फिफ्टी परसेंट ऑफ द रिंग टाइम सो आई वॉज सो सो इम्प्रेस बाई दिस दैन दिस हैज़ ऑल्सो कम अप विद इंटरेस्टिंग थिंग कि एपल के प्रोडक्ट्स के ऊपर हमेशा ये आई उडन सेल जाम लगाया जाता था बट एपल के प्रोडक्ट्स हमेशा एक्सपेंसिव होते थे, थे। और विशेष तौर से मैक जो है एक्सपेंसिव होता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी चीज़ें लगती थी जैसे विशेष तौर से जो प्रोसेसर है वो स्पेशली मैक के लिए जब बनाया जाता था इंटेल द्वारा तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट होती थी बट चूंकि अब एम प्रोसेसर बनाया तो उस जो कम्पेरेटिवली कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो गई है और जो लैपटॉप की की, परफॉर्मेंस है जो लैपटॉप की जो चीज़ें हैं वो आई थिंक कम्पेरेटिवली अब आपके हाथ में मैकबुक प्रो वन लैक ट्वेंटी टू थाउजेंड रुपीज़ में अवेलेबल है एंड दैट टू विद अ वेरी हाई एंड मशीन इट्स अ वेरी हाई एंड मशीन ना एक क्वेश्चन ये भी आया था कि क्यों ना मैं मैकबुक एयर ले लूँ मैकबुक प्रो लेने की क्या जरूरत है बट मैकबुक एयर में इट्स बेसिकली वेरी स्लिम एंड आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम द स्लिम बट आई एम वो मोर इंटरेस्टेड इन द परफॉर्मेंस थिंग और चूंकि और मैं आप लोगों को सजेस्ट भी करना चाहूँगा अगर आप लोग मैकबुक एयर और मैकबुक प्रो में से ले रहे हैं तो ये मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि अगर आप आपको चॉइस करनी हो और आप अगर वीडियो रेंडरिंग करते हैं फोटोशॉप चलाते हैं या फिर लाइट रूम चलाते हैं या फिर फाइनल कट प्रो या प्रीमियर प्रो या डाव इंसी कोड एनी एनी ऑफ द सॉफ्टवेयर्स वेरी हाई एंड सॉफ्टवेयर्स यू आर यूजिंग तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मैकबुक प्रो लें मैकबुक एयर ना लें क्योंकि जो कूलिंग सिस्टम है वो मैकबुक प्रो में दिया गया है एयर में नहीं है सो so, uh, जो कूलिंग सिस्टम है वो uh, हमें लगेगा क्योंकि एज अ प्रोफेशनल मैंने देखा है चाहे मेरा आई मैक हो चाहे मेरा मैकबुक प्रो हो या चाहे मेरा मैक प्रो हो जब मैं मैक प्रो चलाया करता था तब उसमें जो कूलिंग लगती है वो नेसेसरी है क्योंकि हम जब रेंडरिंग करते हैं तो रेंडरिंग में हमारा जो प्रोसेसर है वो मैक्मम यूटिलाइजेशन पे होता है और इसके कारण से उसको एयर की ज़रूरत होती है वेरस जो मैकबुक एयर यूजर्स हैं वो या तो राइटर्स हैं या तो या आ, या दे आर दे आर दोज यूजर जिनके पास जो हाई एंड सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ कर रहे हैं सो आई थिंक उनके लिए इट इज़ वेरी बेनिफिशल एक और इंपॉर्टेंट थिंक uh, सिर्फ Uh, इसलिए नहीं कि प्रोसेसर चेंज हो गया है या एम चिप लग गई है बट इसलिए भी क्योंकि मैक मैक uh, ओएस चेंज हो गया है बिग सर इज़ अ बिग चेंज इन द मैक ओएस जो लेटेस्ट अभी चल रहा है और uh, उसके कारण से आपके हार्डवेयर और एप्पल इज़ ऑलवेज ऑलवेज़ गुड एट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन और उसका जो कंपैटिबिलिटी वो बहुत अच्छी रहती है और इस वजह से फाइनल कट प्रो हो या फिर लॉजिक uh, हो ये सारे जो एप्लीकेशन हैं बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं आ, आ... क्योंकि इन इन ये सब नेटिवली कनेक्टेड है वेर एज अडोब एंड बाकी सारे जो सॉफ्टवेयर हैं वो भी अब इस पे इतना पर इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं विच इज विच इज़ माइंड ब्लोइंग द बेस्ट पार्ट इज जो हमारी टाइम लाइन है जिसको हम स्क्रब करते हैं वो इतनी स्मूथ स्क्रबिंग हो रही है विदाउट रेंडरिंग क्योंकि बैकग्राउंड रेंडरिंग फाइनल कट प्रो हो या अडोब प्रीमियर हो दोनों में चलती है और बैकग्राउंड रेंडरिंग के कारण से कई बार आपका सिस्टम जो है वो स्लो हो जाता है बट इन दिस थिंग हार्डली um, आपको नोटिस होगा कि ये सिस्टम बहुत ज़्यादा ऑक्यूपा है सो आई थिंक ओवरऑल ओवरऑल माई टेक एंड माई सजेशन फॉर यू इज़ कि अगर आप मैकबुक प्रो मैक मनी और मैक बुक एयर में से कोई चूज़ कर रहे हैं तो मेरा सजेशन है कि मैकबुक प्रो यूज़ करिए और uh, अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो यू वोट गेट गेट एनी डिस्काउंट बट अगर uh, जो डिस्क्रिप्शन में मैंने दो रिसेलर्स के नाम डाले हैं अगर आप उनको देखें दे आर नॉट स्पॉन्सरिंग मी एनीथिंग बट मैंने उनके नाम डालें बिकॉज दे विल गिव यू डिस्काउंट्स ऑल्सो सो आप उसमें उनसे मंगा सकते हैं एंड दिस इज़ वन वन गुड प्रोडक्ट विच आई एम एब्सोलूटली इंजॉय और आफ्टर लॉन्ग टाइम मुझे जो स्क्रबिंग है और एडिटिंग और इट्स द बेस्ट पार्ट इज स्पेशली फॉर द वीडियो एडिटर्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो जो जो फ्रीडम है हमको एक्स्ट्रा uh, मेमोरी की और एक्स्ट्रा उन सब की क्योंकि एज अ एडिटर हो सकता है कि आपके पास आपको, आपको ज़्यादा हार्डवेयर um, का नॉलेज ना हो आपको सॉफ्टवेयर का नॉलेज हो और यू जस्ट वांट कि आपकी मशीन प्रॉपर्ली फ्लो करें एंड दिस इज़ दैट मशीन सो so, आपको एंड uh, एप्पल uh, ने जो अभी रिसेंटली इवेंट किया था आई मैक uh, उसको भी एम वन पे लेके आ गए हैं एंड आई एम श्योर कि आने वाले जितने भी प्रोडक्ट लाइन है वो एम वन पे जाएगी इनफैक्ट मैक आई पैड प्रो भी एम वन पे जा चुका है uh, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था हमारे लास्ट वीडियो में सो आई थिंक दैट इज वन 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 अमेजिंग लीप जो एप्पल ने ले लिया है एंड दैट्स रियली अ गेम चेंजर सो अगर आप अपना एप्पल आप, अपग्रेड कर रहे हैं तो आई आई विल सजेस्ट कि आप um, एम पर जाइए क्योंकि नंबर वन कॉस्ट नंबर नंबर टू पावर एंड थ्री अमेजिंग परफॉर्मेंस सो दैट्स इट फॉर टुडे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने वीडियो और क्रिएटिव को एंड वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम